नैनीताल के भीमताल में राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा चतुर्थ त्रैवार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें भीमताल विधायक समेत जिले भर से आए प्राथमिक शिक्षकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आगामी प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव को लेकर चर्चा की गई, तो वहीं चुनाव प्रणाली को लेकर कई शिक्षकों ने विरोध व्यक्त करते हुए कहा कि संघ के चुनाव में डेलीगेट बनाकर कुछ शिक्षकों को ही मतदान करने का अधिकार दिया जा रहा है, जबकि शिक्षक संघ में जिले के सभी शिक्षक शामिल हैं। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भीमताल विधायक का कहना था कि शिक्षक छात्रों के भविष्य निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं और हम चाहते हैं कि शिक्षक संघ के निष्पक्ष चुनाव हों। समाज एक ऐसा समाज है जो छात्र छात्राओं का बच्चों के भविष्य के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं और समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसलिए मुझे आज शिक्षकों के सदस्यों में आने का मौका मिला, क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसा वर्ग है जो समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है। इसलिए मुझे कई फैक्ट्री छोड़ करके यहाँ पर आना पड़ा और शिक्षक वर्ग बच्चों के निर्माण के साथ साथ समाज के निर्माण में जो अपनी भूमिका निभाते हैं, उसके लिए मैं हमेशा शिक्षकों का सम्मान करता हूँ। आज न्यूज के लिए नैनीताल से कांता पाल की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।